Hello, Iqbal and Donal. Welcome on CineSpeaks channel. Hi, hi, how are you? I'm good. And congratulations for Dune Kant. So, ab kitne sa excited ho is show ko lekar? You are on mute, Donal. Mute, Donal, you're mute. Yes, yes. Unmuted now. Okay, so I'm very excited, and this will be my first debut on web, so I'm pretty excited for that as well. And I want to tell everyone ki pehle ye jo tha cold blood naam se tha, everybody is asking me acha cold blood ka kya hua, so this is Dune Kant now. Cold blood ka naam change hoke Dune Kant ho gaya hai. Okay, releasing on mood. Yeah, and Iqbal, what do you have to say? We all of us are very, including me, we all excited about this show. We've all had a very good time shooting it. It has I wouldn't say patches of realism, but the entire show is based on how wonderfully everyone has performed in a very natural and good way, and the story is very, very nice. And show ki khasiyat ye hai ki jo basically universal emotion jo hota hai, वो इस शो का हार्ट. तो जो बाकी जो सब चीजें वो सब बैकड्रॉप में है. ये एक ऐसा शो है जो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज का इंसान देख सकता है, उनकी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कर दे सकते हैं, क्योंकि इसका इसका जो दिल है इस शो का वो एक करेक्ट जगह पे है. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल शो है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. Yes, और साथ ही में एक और एक शो है जिसका नाम है मत्स्या कांड, बट ये जो है धूम कांड, तो इसमें से क्या डिफरेंस होगा एंड क्या कुछ इसके अंदर नया देखने मिलेगा? कौन सा दूसरा शो है? दूसरा शो कौन सा है? मत्स्य कांड. अच्छा, और आपका जो है धूम कांड है, सो क्या कुछ इसमें नया देखने मिलेगा ऑडियंस को? ऑडियंस को एक मैंने जो चीजें नोटिस की हैं वो इसमें ये किया है कि परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी और नेचुरल सी नजर आएंगी सबको, बहुत 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 रियलिस्टिक. और जो हम यूजुअली जैसे पुलिस दिखाते हैं, गैंगस्टर्स दिखाते हैं, इन चीजों को जो थोड़ा जो हार्टलैंड टाइप जो शोज होते हैं जो हमने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हर जगह थोड़े थोड़े वैसे ही नजर आ रहे हैं. इसमें थोड़ा एक बैलेंस क्रिएट किया गया है, तो वो मुझे इसकी खासियत लगती है. ओके, एंड डोनाल्ड, जैसे कि आपने कहा आपका ये फर्स्ट शो है, वेब शो है, तो आप कितने एक्साइटेड थे एंड आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ बताइए. जी, जैसे मैंने बताया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं तमन्ना प्ले कर रही हूँ इसमें. और तमन्ना एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, बट शी एम्पथाइजेस विद पीपल, सॉफ्ट है, इमोशनल है, फैमिली को साथ में लेके चलती है, बट शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है. तो उसके बाद की जो जर्नी है वो आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगी. इट्स अ रिवेंज स्टोरी जो कि मसूरी में बेस्ड है. ब्यूटिफुल लोकेशन. नॉर्मली आप ऐसी स्टोरीज जो है वो स्ट्रीट्स वगैरह में देखते हैं, बट दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन, तो आपको वो भी देखने में बहुत मजा आएगा. ओके जी, बिल्कुल, काफी एक्साइटेड भी है लोग थ्रिलर देखने के बाद. एंड आपका ऐसे कौन सा ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है जो आप कभी प्ले करना चाहेंगे, जिसके आपने बहुत सारे शोज तो किए हुए हैं, बट आपको कोई ऐसा फेवरेट किरदार होगा जो आप प्ले करना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं मुलान प्ले करना चाहती हूँ. ओके, आई लव द गर्ल डूइंग एक्शन, वांटेड. सो पूरा एक्शन की तरह आप जाना चाहते हैं. जी हाँ, और साथ ही यस, एंड कुछ ऐसे कुछ सीक्वेंस के बारे में बात कीजिए, जैसे कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो आप दोनों ने शूट करते वक्त, कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस से? यू नो सम डिफिकल्टीज और कुछ डिफिकल्टी तो है, कुछ ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी. खैर, सिर्फ एक चीज हमारी एक लोकेशन थी वो थोड़ी दूर थी, वहां पे थोड़ा
सुबह से बहुत पहले पहुंचना था और वहां पे ठंड बहुत थी, वो उसके अलावा कुछ ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मेरे ख्याल से एक 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 हम एक, एक बढ़िया चीज ये हुई थी कि हम इसका शो के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे हम मॉल रोड में एक जगह एक शूट कर रहे थे और वहां पे मेरी फेवरेट है, क्योंकि हम काफी अरसे के लिए वहां पे काफी टाइम के लिए वहां पे हम बेस थे जब तक शो शूट हो रहा था, वहां गुलाब जामुन की दुकान बड़ी माइंड ब्लोइंग थी। तो वो दुकान मेरे दिल में बसी थी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। तो मसूर में और आप दोनों ने क्या कुछ एक्सप्लोर किया, क्या कुछ खाया, कुछ शॉपिंग वगैरह की, क्या हुआ? काफी कुछ। मॉल रोड तो हमारा दूसरा घर बन गया था, सब फैमिली मेंबर्स जैसे हो गए थे वहां पे, बिकॉज हर रोज शूट खत्म होके हम लोग मॉल रोड चले जाया करते थे पूरी टीम, और सबको पता था ये डोनल है, ये इकबाल है, यहाँ पे खाएंगे, ये करेंगे, इतना घूमेंगे, सो एवरीबॉडी न्यू अस। डोनल ने हर दुकान से वहां पे शॉपिंग की है, हम जब जाते थे तो हम ये बोलते हैं ये डोनल वाले हैं, ये डोनल वाले, ये लोग डोनल वाले, ये डोनल का टीम है। हमने भी इक्वली शॉपिंग की है और खूब खाया है सबने मिलके। सो काफी आपने मजे किए, डोर ओपन प्लीज, एंड पूरी टीम ने भी साथ में। सो ऐसा भी कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी जो है खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, आप तो ऑफ कोर्स बिग बॉस के पार्ट बन ही चुके हो, बट आपको भी ऐसा है कि खतरों के खिलाड़ी में आपको भी जाना है, आप दोनों को? मैं तो होके आ गए, ये तो होके आ गए। हाँ, आप तो यस, इनको बिग बॉस में भेजो और मुझे खतरों में। पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप जाना चाहेंगे बिग बॉस में? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल मैं बिजी हूँ, तो मैं शायद नहीं जा पाऊंगा। एंड डोनाल्ड, आपको कितना मजा आता है, आपने बोला कि आपको एक्शन काफी पसंद है, एक्शन के किरदार, तो उसमें तो काफी एडवेंचर करना पड़ता है, काफी कुछ होता है, तो आप जाना चाहेंगे खतरों के खिलाड़ी? अभी तो वैसे भी मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं जा सकती हूँ, और खतरों में मैं सेफ्टी के साथ जितना भी एडवेंचर है वो सही रहता है। आई डोंट नो, नेवर से नो, आई डोंट नो इन फ्यूचर, बट माय फोकस इज ऑलवेज माय वर्क, ये जो सब इन बिटवीन की चीज है। ओके, सो साथ में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए कि क्या कुछ आप ऑडियंस को और एंटरटेन करने वाले हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ। मेरा वूड पे ही नेक्स्ट शो वूड पे आ रहा है, क्रैकडाउन का सेकंड सीजन, अपूर्व लाखे डायरेक्टर है उसके, तो उसके बारे में मैं ज्यादा भी बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका खुलासा जब वो रिलीज होगा उसी टाइम करेंगे इंशाल्लाह। एंड डोनाल्ड, मैं एक वेब शो शूट कर रही हूँ जख्म, जो कि एमएक्स प्लेयर पे आएगा, एमएक्स ओरिजिनल सीरीज है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए भी, बस शूट चल ही रहा है उसका, इट्स बीन 3 months नाउ। ओके, सो आप दोनों काफी एंटरटेन करने वाले हैं हमारे ऑडियंस को। एंड लास्टली आप डून कांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे एंड अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डून कांड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ग्रिपिंग कहानी है जो फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक आपको बिठा के रखेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो आप 100% सीरीज खत्म करेंगे एक ही रात में, और सभी लोगों ने बहुत 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 अच्छे नेचुरल परफॉर्मेंस दिए, मुझे देख के बहुत मजा आया, सब लोगों ने बहुत 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 अच्छा परफॉर्म किया, आई रियली लाइक्ड एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस, तो आई एम रियली एक्साइटेड। ओके, एंड डोनाल्ड, व्हाट आर योर थॉट्स? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं इकबाल जी से बस तारीफ ही सुनती रहती हूँ हमेशा, एंड फील सो ग्रेट टू हियर, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस है और इतना काम कर चुके, तो ही नोज बेटर देन अस आई वुड से, सो फील्स गुड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एंड आप सबके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने ये डून कांड शूट किया है, एंड आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आए, जैसे कि इकबाल जी ने बोला फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे, एंड दिस इज सच वेब शो कि जो आप पूरा खत्म करना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि सीजन 2 भी आ जाए।
यस जरूर, हम काफी एक्साइटेड है, सारी ऑडियंस काफी एक्साइटेड है ट्रेलर देखने के बाद इस शो को देखने के लिए. सो ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए एंड आपके आगे की जर्नी के लिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.